और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कटनी की करते हैं, जहां चुनावी पारा चरम पर है। महिलाएं नए महापौर से, महिलाओं को नई कई उम्मीदें हैं। कटनी में 13 जुलाई को अब मतदान होगा, तो महिलाएं नए महापौर से कई उम्मीदें लगाकर बैठी हुई हैं। क्षेत्र में विकास कार्य होंगे, उनकी परेशानियों को दूर करने का काम महापौर करेंगे, ये उम्मीदें महिलाओं को है। चुनावी पारा चरम पर है कटनी में, 13 जुलाई को यहाँ पर वोटिंग होनी है। और बता दें आपको, महिलाएं जिनके दिमाग में कई बातें हैं महापौर को लेकर, कई बातें दिमाग में है उनका, महापौर कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, ये भी आपको बताते हैं। कटनी में नगर निगम के चुनाव हैं, यहाँ से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से ज्योति हैं और साथ ही कांग्रेस से नेहा खंडेलवाल, पर चार महिलाएं इस शहर की है और दो महिलाएं प्रतिनिधित्व करने वाली, दो में से कोई एक करेंगी। पर कटनी में होना क्या चाहिए मैडम, कटनी में क्या दिखाई देना चाहिए, अब चुनाव हो रहे हैं क्या? वैसे भी बेसिक फैसिलिटीज सब है, एजुकेशन की, मेडिकल की, पर एडवांस के लिए सबको बाहर जाना पड़ता है। तो अगर ये चीज़ें भी यहाँ हो जाएं, पार्क भी हैं, सब कुछ है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है और हम लोग जबलपुर से बहुत पास हैं, तो एयरपोर्ट का भी प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि जो एडवांस चीज़ें हैं इन्हीं फील्ड में, जैसे एजुकेशन हुआ या मेडिकल हुआ, ये हम लोग चाहते हैं। जी, आप क्या चाहते? बस हम लोग थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर जो कटनी का है वो थोड़ा सुधारना चाहते हैं। शब्दों में अगर बोला जाए तो सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, तीन चीज़ें मिल जाए अगर हमारे शहर को, तो हमारे शहर में और कोई कमी नहीं। हमारा शहर दिल्ली से कॉम्पिटिशन कर सकता है सर, हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन सड़क, बिजली, पानी, ये तो हमेशा से मुद्दे रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य तो कमी है यार, ये चीज़ें चाहिए हैं शहर को। कुछ और स्पेशल दिखाई देता है कि, और महापौर जो दोनों प्रत्याशी है, क्या लगता है आपको, क्या इनसे उम्मीदें की जा सकती करेंगी? बस हाँ, हम लोग वोट देंगे और उनको काम करना ही है तो काम करेंगी। वोट तो आपको देना, हम कभी नहीं कहते कि वोट आप किसको देंगे, ये हमारा, हम तो हमारा इतना ही काम है कि वोट जरूर दीजिएगा। और आप लोग तो सब लिटरेट हैं निश्चित रूप से। मैम क्या देना चाहिए क्या दिखना चाहिए कटनी में? कटनी का विकास दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब है आगे आके कटनी को बड़ा बनाने के लिए और मोर प्रोग्रेस के लिए सब लोग आगे आते हैं हाथ बढ़ाने के लिए, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत इधर उधर रुक जाता है, थोड़ी बहुत कसर रह जाती है, बस वही पूरी हो जाए और कटनी भी एकदम फेमस शहर बन जाए, यही चाहते हैं। चलिए, कटनी के लोगों को क्या चाहिए, और यहाँ से तो प्रत्याशी ही महिला हैं, तो ऐसी तमाम महिलाओं से हमने बात की है, सब यही चाहते हैं कि कटनी एक अलग दिशा में बढ़ता हुआ नजर आए। अब कटनी की जो मंशा है वो कौन पूरा कर पाएगा और कौन जीतेगा चुनाव, ये तो बाद में स्पष्ट होगा, पर ये जरूर है कटनी के कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लोग चाहते जल्द पूरे हों। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, कटनी।